किमिट सभागार में स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत अभियान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती वंदना व दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कश्मीरी लाल अखिल भारतीय संगठक स्वदेशी जागरण मंच ने अपने विचारों को रखा व आत्मनिर्भर भारत की अलग जगाई। कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव कुमार क्षेत्रीय संयोजक के साथ आदि सदस्य भी मौजूद रहे। कश्मीरी लाल ने कहा कि किस प्रकार स्वदेशी सोच एवं शोध को अपनाकर हम अपने भारत देश को विकासशील व विकसित देश बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत बहुत आत्मनिर्भर बन चुका है, इसी का जीता जागता उदाहरण COVID-19 जैसे वायरस से बचने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वायरस पर शोध कर उसके लिए वैक्सीन का उत्पादन भी किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी मुख्य रूप से स्वदेशी उत्पादों को इस्तेमाल करने व उनका उत्पाद करने पर जोर देते आ रहे हैं। श्री राजीव जी ने भी अपने विचार रखे और कहा कि जब तक हम अपने देश को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देश के हर कोने में हुनर हाट की शुरुआत की, जिससे कि दस्तकारों व शिल्पकारों को हुनर हाट के जरिए रोजगार भी दिया गया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों अध्यापकगण व स्टाफ ने हिस्सा लिया और स्वदेशी अपनाओं को निर्णय लिया। आज हमने आत्मनिर्भर भारत पर, स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत पर एक गेस्ट लेक्चर करवाया, जिसमें श्रीमान कश्मीरी लाल जी ने, जो कि इस विषय के बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, कहां कहां कमियां हैं, आयात को कम करना चाहिए, निर्यात को बढ़ाना चाहिए, इस विषय पे उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। और उन्होंने एक बात कही कि स्टूडेंट्स को आज की डेट में जॉब सर्चर नहीं बनना चाहिए, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति सफल उद्यमी बनता है तो वो भविष्य में बहुत सारे रोजगार उत्पन्न करता है, जिसमें वो समाज का, देश का और सभी साथ पढ़ने वालों का की हेल्प कर सकता है, कंट्रीब्यूट देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो उस उद्देश्य को लेकर हमने ये व्याख्यान करवाया और इसमें हमारे स्वदेशी जागरण मंच से जो वक्ता थे, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो अपने हमारे देश में ही निर्मित करती हैं उत्पाद को। और भविष्य में हमने सभी विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे ऐसी संभावनाओं की तलाश करें जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाए जा सकें, उनको हमारे देश में निर्मित कर किया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा लोकल फॉर वोकल और उसको ग्लोबल बनाने की बात कही, वो बात भी विस्तार पूर्वक इस चर्चा में हमने समझाने का प्रयास किया। मैं इस के लिए हमारे माननीय कुलाधिपति श्री सूर्य जैन साहब, गुरु वाइस चेयरमैन श्री मनीष जैन जी व बोर्ड ऑफ मेंबर श्री अक्षर जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे हमारा मार्गदर्शन समय समय पर करते रहते हैं और हम इस तरीके के व्याख्यान मालाएँ कराते हैं। धन्यवाद।